नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक न्यू अपडेट के साथ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है और उसके जो आवश्यक दस्तावेज है वो कौन कौन से है, तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ जैसे नई नई जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो सबसे पहला जो दस्तावेज रहेगा वो स्टेट का जाति प्रमाण पत्र, जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो दस्तावेज रहेगा वो आधार कार्ड रहेगा, आधार कार्ड स्वयं और पिता का, दोनों का, ठीक है। तीसरे नंबर पर जन आधार कार्ड, जो एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, इसके बिना जाति प्रमाण पत्र अप्लाई नहीं हो सकता। चौथे नंबर पर मार्कशीट, मार्कशीट बोर्ड क्लास की आप लगा सकते हैं, किसी भी क्लास की बोर्ड की मार्कशीट लगा सकते हैं। पाँचवें नंबर पर राशन कार्ड, छठे नंबर पर खेत की जमाबंदी नकल या घर का पट्टा, यदि खेत की जमाबंदी नकल नहीं है तो घर का पट्टा लगा सकते हैं। सातवें नंबर पर यदि आप विवाहित महिला हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि विवाहित प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। आठवें नंबर पर आवेदन फॉर्म, जो कि आपके नज़दीकी मित्र पर प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन फॉर्म शुद्ध अक्षरों में अच्छे हैंड राइटिंग में भर करके आपको दो लेक्चरर के साइन करवाने हैं। दो लेक्चरर के साइन करवाने के बाद आपको पटवारी जी के साइन करवाने हैं, उसके पश्चात आपको नज़दीकी मित्र पर जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद में आपको ये जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है वो अधिकतम 7 दिन में आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह आप अपना सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। नोट, इसका जो एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, आवेदन करने से पहले आपको जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में आपका नाम स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार होना जरूरी है। ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।